नेता कौन सा पसंद? नेता नेता तो हमारे अखिलेश यादव जी सही है। अच्छा हाँ, अखिलेश यादव जी सही है हमारे। उनने लैपटॉप की बोली, लैपटॉप दिलाए योगी जी, दिला रहे लैपटॉप। उनने कितनी बार बोल दी, टोटल बात है, बात करियो रे इससे। घर से फोन आ रहा है क्या? घर से आ रहा है, कोई बात नहीं, आन दो आज पूरा इंटरव्यू फैलाओ इसे। जो बात है ठीक होने चाहिए हमारे स्कूल। हम इतनी दूर से पढ़ने जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाई होती, क्या पढ़ाई, कुछ नहीं, ऐसी उठ के आ गए, कोचिंग की किताबें धरी हुई। कुछ ही समय के बाद चुनाव है और अखिलेश यादव भी मैदान में है, ठीक है, और उधर जो है योगी आदित्यनाथ जी जो मैदान में है, तो आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव कितना अच्छा काम कर चुके हैं जो वापस सत्ता में आएंगे? सत्ता में वो आएंगे, हम जैसे अगर स्टूडेंट उनका सपोर्ट करेंगे ना, वो एक साल नहीं दो साल आएंगे सत्ता में, दो पांच पांच, जैसे योगी हमारे वो चले गए ना मोदी जी 10 साल, उनने तो पूरी हमारी इंडिया की ऐसी तैसी कर दी, इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ कराते हैं हमारे लिए, कुछ कमाते हैं। हाँ, तो एक बात बताइए कि चलिए एक्टर भी समझ में आ गया, हीरोइन भी समझ में आ गया, उसके बाद जो है बड़े नेता भी समझ में आ गए कि नेता कौन से पसंद है आपको। अच्छा ये बताइए कि नेता सबसे ज्यादा आपको जो गुस्सा आता देख करके, कौन सा ऐसा नेता जो देख कर गुस्सा आता है? गुस्सा मोदी जी को देख लो, आओ देखो, वाह वाह, कितनी कितनी बड़ी बातें करी हैं उनने, करा कुछ आज तक? कुछ नहीं करा। अच्छा बोलते कैसे हैं, कुछ पता है आपको? भाई और बहनों, मैंने आपके लिए ये करा है, मुझे वोट दो। वोट काय बात कर दे, उन्हें काय बात कर दे, कुछ मिल रहा है हमें, कुछ मिलेगा तो उसे देंगे भी हम तो उसके साथ में है जो हमारे लिए करेगा। हम अखिलेश जी ने हमारे लिए करा, हम क्या किया अखिलेश यादव ने? अरे यार बता दीजिए, कोई बात नहीं, क्या क्या किया बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है ना, आप इतना बोले। अच्छा अखिलेश यादव के नाम पे आंखों में आंसू आ गया? अब क्या, जो बंदा करता है उसे तो सत्ता में ला नहीं रहे, ये बिगड़ी है सरकार और कुछ नहीं है। हाँ। चौकीदार तो चोर बन गया हमारा। हाँ, जो हमारी रक्षा करना चाहिए वो तो चोर बन गया। चोर अखिलेश यादव, अगर आपकी बात सुनना चाहे, आप बड़े फैन लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम आपके साथ हैं, अभी हम 18 के न्यू हैं, पर अगर हम 18 के हो गए ना और आप आए तो ये वोट आपके लिए जाएगा, देख लेना, जितेंद्र प्रजापति नाम होगा उसमें, देख लेना। और सुनो, अच्छा एक मिनट, अगर आपसे मैं मिलूंगा तो देख लेना, आपको ही वोट दूंगा और आप मेरा फेस याद कर लेना, आपकी सत्ता में जरूर आऊंगा मैं। अच्छा तो आप उसे मिलना पसंद करेंगे? मिलना जरूर पसंद करेंगे उनसे हम। अच्छा अखिलेश यादव जी से बिल्कुल ओके। चलिए अगर ये बताइए, पहले जो चुनाव चल रहा था 2017 के बीच में, तो उनकी साइकिल जो है पिंचर हो गई थी, बताया जा रहा है कि चल ही नहीं पा रही थी। एक मिनट, साइकिल पिंचर हो गई थी, तो क्या लग रहा है इस बार हवा भर गया है कि साइकिल चल गई? आप सिखाइए, बच्चा बहुत होनहार है, पंचर हो गई थी साइकिल। फोन कर रहा था। अब आप एक बात बताइए, ये जो साइकिल चल रही है ये पंचर तो हो जाती है, ठीक भी हो जाती है ये पंचर लग जाता है? यहाँ तो 10 रुपए में लगता है, कुछ दिन ही तो गए हैं, पर ये तो है नहीं, वो इंसान चला गया, वो आएगा जरूर आएगा, देख लेना। अखिलेश यादव आएंगे जरूर आएंगे। अच्छा अखिलेश यादव से अगर आपकी बातचीत हो जाए तो क्या समस्या है जो आप उनसे शेयर करना चाहेंगे? मैं यही समस्या शेयर करूंगा, जो भी हो, नौकरी क्या, ये हमारे अखिलेश यादव जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो ये IIT क्लियर कर रहे हैं, ये इंजीनियर बनने हैं, इनको नौकरी दिला दो बस। ये इतना पैसा लगा रहे हैं, इनके माँ बाप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, पर काम क्या कर रहे हैं, 8,000। हमारे घर के बगल में खुद एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, करता क्या है वो, 8,000 में जाता है, ये हगीज पैक होती है यहाँ पे, क्या है रेडियन, उसमें पैक करता है हगीज, कितनी मिलती है 8,000, नाइट मार के मिल जाएगी 10,000 ज्यादा से ज्यादा। नाइट मार के मतलब नाइट फुल डे, एक भी दिन नहीं सोएगा वो, तब मतलब ऐसे हफ्ते में 2 दिन नाइट मार दी, 4 हफ्ते होते हैं, 2 दिन की मार दी, डबल डे हो गए, शायद मिल जाए उसे 10,000। चाय तक के पैसे कट रहे हैं उसके। आप बताओ क्या होगा, कैसे वो घर कैसे चलाएगा, अगर बाई चांस अगर उसके फादर ना हो तो कैसे बंदा अपना घर चलाएगा? अगर नेता बनने, आप कह रहे हैं कि हम नेता बनेंगे, नेता ही क्यों बनना चाहते हैं? नेता ये हम तो गुजर गए, हमारी भी तो जनरेशन, अरे हम अब इतने बड़े हो गए, 11वीं पास हो जाएगी, 12वीं थोड़ा बहुत हम कर लेंगे कॉम प्रो। हमारी जो जनरेशन आएगी वो ऐसे जिएगी ना, तो भाई मां करेंगे शादी। आपने नहीं की शादी? नहीं आप बताइए ना, आप बता दो नहीं कि आप नहीं करोगे शादी तो मैं भी नहीं करूंगा, खत्म बात। मोदी ने छोड़ दी,
उसके कर्मों से छूटी है वो, हम क्या कह रहे हैं उसकी बहू, उसका फैमिली मैटर है, उसे मत लाओ यहाँ पे, उसका फैमिली मैटर है। चले चले एक बार एक बैठा। तो अब एक बार बताइए कि नेता बनने के लिए जो है अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं। तो अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी बस 12वीं पास होने दो, देखना वाइट कुर्ता होगा और नीचे होगी वाइट, वो वाइट शर्ट है ना ये, अभी लगवा दो किसी में, हम लग जाएंगे। बताओ क्या काम करवाना है? कौन सी पार्टी में लगोगे? हम समाजवादी में लगेंगे, अखिलेश जी के साथ लगेंगे हम। बड़े दिल से आप अखिलेश जी के साथ? अखिलेश जी के साथ है, जीत जाए बस वो एक बार। ये कॉलोनी सही होनी चाहिए। अखिलेश जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम तो मतलब देखो आज 11वीं हो गई, 12वीं हो जाएगी, थोड़े दिन बाद कोर्स करना होगा करेंगे, वरना यही 8000 वाली नौकरी हमारी भी चालू है और क्या। तो अखिलेश यादव से उम्मीद है कि अगर आ जाएंगे तो अच्छी नौकरी? तो उम्मीद बहुत है, उम्मीद है जी। बहुत एक बार जो है दर्शकों को बोल दीजिए कि जो भी आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, अगर आप भविष्य में कभी नेता बन जाते हैं तो वो काम करेंगे जो आपने बोला है। बिल्कुल ओके। अगर मैं भविष्य में नेता बनता हूँ, मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापति, वैसे आधार कार्ड में जितेंद्र है, अब नंबर याद नहीं है मेरे को। अभी से आपको यही चल रहा है, जितेंद्र बता रहे हैं, फिर आप प्रजापति। अब ये मेरी कास्ट है प्रजापति कास्ट, कुमार हूँ मैं। बोली 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 बोली। अगर मैं नेता बनता हूँ, जो भी मेरे से आस लगा के बैठा है, अभी तो नहीं बना मैं नंबर दूंगा इन्हें बुला के, इनका नंबर लेके, उन अंकल का नंबर ले लिया मैंने, इसी पे अपना नंबर दूंगा, पर्सनल नंबर, कॉल करना और बताना क्या क्या समस्याएं हैं, मैं हल ना करूं तो मेरा नाम बल दे देना। लोग बाग ये कहते हैं नेता बनने के बाद लोग बाग जो है ऐसो आराम की जिंदगी, ऐसो आराम, हम ऐसो आराम की जिंदगी वो जो जीते हैं जिनके पास पहले से होता है, हराम हराम का कमा रहे, हराम का खा रहे हैं, और हम यहाँ से उतरे हुए हैं, हम जी नहीं पाएंगे उसमें, हम यहाँ की ठीक नहीं करवाएंगे ना, हमारे गली वाले हमारे मोहल्ले वाले कोसेंगे कि यहाँ से निकल के यहाँ का ही नहीं सही कर पाया। वोट आना है, सुनो।